वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं एक चैलेंज वीडियो। लास्ट टाइम चैलेंज वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, तो थैंक यू सो मच। एंड आज देखते हैं कि हमारे चैनल में मेरे साथ चैलेंज करने के लिए कौन आने वाला है और कौन जीतता है और किसको मिलती है पनिशमेंट। तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड पनिशमेंट देखने के लिए और कौन जीतता है वो भी देखने के लिए। और सबसे पहले वो तो देख लें कि हमारे साथ चैलेंज करने के लिए आया कौन है। तो चलिए देखते हैं। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह फुल चमक जाती है और हम चले आए। तो आप इंट्रोडक्शन देंगी प्लीज? बिल्कुल, मैं निक्की इसकी सो कॉल्ड फ्रेंड बोलने के लिए। ओके, सो ये है निक्की, मेरी बहुत अच्छी नहीं सो कॉल्ड बोलो कर लो मेरी। शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड एंड शी इज माई रूममेट, शी इज माई कलीग एंड शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड। सो आज हम करने वाले हैं चैलेंज वीडियो। कौन सा चैलेंज वीडियो? मेरा फेवरेट पास्ता। ओके, सो आज हम करने वाले हैं चैलेंज वीडियो, पास्ता चैलेंज वीडियो। आज हम अकेले मतलब हम दोनों ही करने वाले हैं ना चैलेंज? मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी अकेले, एक और को बुलाएंगे। एक और को बुलाने वाले हैं? बुलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन आने वाला है हमारी चैलेंज वीडियो में थर्ड पार्टनर। 3, 2, 1 गो। तुम आने वाली थी? यस। इन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं नैना मैं आपकी वीडियो में नेक्स्ट टाइम हारने के लिए नहीं आऊंगी। फिर हारने के लिए पिछली बार इसको जिता दिया था। आई एम सो हम्बल यू नो। हाँ, तो मैंने सोचा मैं इस बार आ जाती हूँ हराने के लिए। हाय गाइस, माय नेम इज मनीषा। सो गाइस, आप इनसे तो मिल ही चुके होंगे, शी इज माई यंगर सिस्टर। आपने लास्ट चैलेंज वीडियो हम दोनों की देखी थी कि कौन आ रहा था और कौन जीता था। तो विल सी, देखते हैं कि इस बार हम तीनों में फ्रेंड वर्सेस सिस्टर, सिस्टर वर्सेस फ्रेंड में कौन जीतता और कौन हारता है और किसको मिलती है पनिशमेंट। हे गाइस, तो चलिए हम पहले पास्ता की मेकिंग देख लेते हैं। आप इसमें, मैंने यहाँ पे अनियन और कैप्सिकम लिया है, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल्स और भी ले सकते हैं। पहले मैंने इन दोनों को हल्का सा सॉटे कर, नमक डाल के सॉटे कर लिया और उनको अलग से निकाल लिया। उसके बाद हमें जो है रेड ग्रेवी बनानी है, रेड सॉस बनानी है। तो उसके लिए मैंने टमाटर लिए, नमक डाल के उनको अच्छे से बटर में हमने जो है गला लिया टमाटर को। उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी, लाइक ब्लैक पेपर, रेड चिली, ओरिगैनो, मैगी मसाला, हल्दी, चिली फ्लेक्स, सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हमें एक अपनी जो है रेड सॉस बन के मिल जाएगी। गाइस, मैंने आज ये देसी स्टाइल होम स्टाइल पास्ता बनाया है, तो आप इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने रेड सॉस में थोड़ी सी टमाटो सॉस भी डाली, आप चाहे तो इसमें शिजवान सॉस और भी कोई सॉसेस डालना चाहे तो डाल सकते हैं। देन उसके बाद हम वाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने हम बटर लेंगे बहुत सारा एंड मैदा लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक से मिक्स करेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना पड़े। उसको अच्छे से बटर में मिक्स कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें मिल्क मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मैदे में मिल्क जो है सारे लम्स वो हटा देगा, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स, और अच्छे से हम इसको मिक्स करते हुए अपनी एक वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो बिल्कुल अपने घर पे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गाइस, उसके बाद हम अपनी रेड सॉस में वाइट सॉस को मिक्स कर देंगे और अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे ताकि दोनों का फ्लेवर पिंक सॉस में हमें मिल जाए। उसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स सॉटे की थी, उन वेजिटेबल्स को
सॉस में डाल देंगे। आप चाहें तो कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको कोई भी वेजिटेबल्स और ऐड करनी तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हम अपनी वेजिटेबल्स को डाल देंगे, उसके बाद हम अपना पास्ता जो है वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने सॉसेस के साथ पास्ता को, ताकि अच्छे से हमारा पास्ता जो है फ्लेवरफुल हो जाए। इसके ऊपर आप चाहें तो ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। एंड माय पास्ता इज़ रेडी टू गो इन माय स्टमक, सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज वीडियो, देखता है कौन जीतता है, कौन आता है। सो 1 2 3 स्टार्ट। कैसा बना गाइस? अच्छा बना, अभी खाने दो बस। अनफॉर्चुनेटली वेरी यम्मी यार, फिर मुझे इस बार खाना नहीं है। एनी हाउ होप फॉर द बेस्ट। बेचारी मनीषा फिर से हार गई इस वीडियो पे। नाना ने भी कर लिया है फिनिश, तो ये हमें मिल गई है सेकंड रनर अप, सॉरी फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट, सेकंड लूजर। आपने देख ही लिया कि चैलेंज कौन हार रहा था और कौन हार गया। तो मनीषा आप क्या करना पसंद करेंगी आज? कुछ भी नहीं। तो गाइस जो हार गए हैं वो हमारे हैं तीसरे प्रतियोगी मिस मनीषा। मनीषा अपनी शक्ल तो दिखाइए प्लीज, जो आप इतना मेकअप करके आई हैं वीडियो में। तो गाइस देखते हैं कि हम इनको क्या देने वाले हैं, इसका पनिशमेंट क्या होने वाला है। सरप्राइज, हम दोनों ने इतना अच्छा पनिशमेंट सोचा है। सो सरप्राइज, थोड़ा शॉक हो। इससे क्या करने वाले हो? ये क्या इसका आज का है? फेस पैक। यस, आप थोड़े अपने बाल बाल पीछे कर लीजिए, वरना उसको बाल पीछे कर, बाल पीछे कर दीजिए। हम आपका फेस पैक बनाएंगे, सॉरी फेस पैक लगाएंगे। आओ निकली, और आपको और सुंदर सुंदर बनाएंगे। कम, वो तो पता चलेगा अभी कितना लगता है। अब वो हारने का मतलब तो यही होता है। ये लगाओ अच्छे से, मैं इस तरफ लगाती हूँ, हाँ। कवर करते हुए। ये करो करो करो। अरे अरे। गाइस आपने हमारा ये चैलेंज देखा हम तीनों मॉडल्स का। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अभी से कमेंट करिए कि हम कौन कौन से चैलेंज आपके लिए प्लान कर सकते हैं, और खास कर मनीषा के लिए पनिशमेंट्स। तो कमेंट करके बताइए कि हमें जो हम चैलेंज करना करें आगे आपके लिए, एंड कौन कौन से पनिशमेंट्स रखें। तो गाइस अभी के लिए हम आपको बाय एंड गुड नाइट बोलते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Miss Craving, and please give big thumbs up to this video if you enjoy this video. And guys, and please stay safe with your families.
एंड अगर आपको पास्ता मेकिंग की वीडियो पसंद आई हो तो आप उन्हें घर पर ट्राई करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।